दीपिका पादुकोण फिल्म गहराइयों को लेकर अभी सुर्खियों में है और अब दीपिका ने अपनी लाइफ को लेकर एक ऐसा राज खोला है जो वाकई में चौंका देने वाला है। दीपिका ने इंडस्ट्री की एक घिनौनी सच्चाई के बारे में अब खुलासा किया है। ना सिर्फ वो इस बात को इस इंडस्ट्री की घिनौनी सच्चाई कहती है, बल्कि ये भी कहती है कि उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस यही था। दीपिका ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बात करते हुए कहा कि वो बहुत ही कम उम्र में मॉडलिंग और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई थी। इसी दौरान जब उनकी उम्र 18 साल की थी, तब किसी ने उनसे कहा था कि तुम्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाने की ज़रूरत है। दीपिका ने बताया कि तब उन्हें बहुत अजीब और बहुत बुरा लगा था। हालांकि उन्होंने ब्रेस्ट इम्प्लांट्स तो करवाए नहीं, लेकिन उनका कहना है कि मुझे ये भी समझ नहीं आता है कि उस टाइम किसी शख्स ने मुझे ये बात कही तो मैंने उसे सीरियसली क्यों नहीं लिया या मैंने उस पर रिएक्ट क्यों नहीं किया। आज की डेट में अगर ये बात होती तो शायद दीपिका अलग तरीके से रिएक्ट करती, लेकिन तब दीपिका चुप रही थी। इस वर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ दीपिका ने अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि उनका बेस्ट टाइम गुजरा शाहरुख खान के साथ फिल्म ओम शांति ओम के दौरान, और शाहरुख ने ज़िंदगी को लेकर एक ऐसी बात सिखाई जो शायद वो अब तक इस करियर में फॉलो करती आई है। शाहरुख ने कहा कि हमेशा ऐसे ही लोगों के साथ काम करो जिनके साथ तुम्हें लगता हो कि तुम्हें काम करके मज़ा आएगा और उनके साथ एक अच्छा रिश्ता लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि जब आप किसी फिल्म पर काम करते हैं तो आप मोमेंट्स और मेमोरीज़ भी क्रिएट करते हैं, इसीलिए जब काम करो तो सोच समझ कर करो। दीपिका पादुकोण एक अरसे से है इंडस्ट्री में और अब तो वो प्रोड्यूसर भी बन चुकी है।